हाय गाइस, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को लेकर के। और आपका और मेरा दोनों का सिर्फ एक ही पर्पस होगा कि आपको एक अच्छे मैथ्स फाउंडेशन के साथ एक अच्छे आईटी में लेकर के जाना। तो बट ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले और आज का वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप रियली में मैथमेटिक्स को लेकर के एक्साइटेड हो या फिर सिर्फ आप इसलिए जाना चाहते हो कि आईटी को लेकर के जो हमारे सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स हैं, जो एक आईटी का स्टेटस है, सिर्फ आप उसके लिए आईटीज में जाना चाहते हो। तो ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आपसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका पर्पस सिर्फ ये है ना, तो ये चीज़ आपको अगर मान लो आप आज से तैयारी करना स्टार्ट भी करते हो तो आपको 8 से 10 मंथ के बाद वो रिजल्ट मिलेगा, आप आईटीज में जाओगे। और वो भी एक्साइटमेंट कुछ टाइम तक ही होगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ 2 मंथ के लिए, उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। बट वो सारा फिर आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे प्यार करते हो ना, मैं लिटरली आपको गारंटी देता हूँ कि इससे अगर आप प्यार करते हो मैथमेटिक्स से, तो आपको आईआईटी से 10 गुना ज़्यादा हैप्पीनेस एवरी डे मिलेगा। जब आप एक एक क्वेश्चंस को बनाओगे, एक एक थ्योरम्स को सीखोगे, उसको खुद से प्रूव करोगे, वो खुशी जो होगी ना आपके लिए, वो खुशी इससे 10 गुना ज़्यादा होगी आईआईटी से, और आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। और सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आप मैथमेटिक्स से ही प्यार करोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये तो मिलना ही है इसके बाद। मतलब आप हर एक दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होगे। और आईटीज़ में जाने के बाद तो जो आपका ये प्यार होगा मैथमेटिक्स से, वो जुनून में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिर तो आपके लिए मैथ्स ही सब कुछ होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैथमेटिक्स आपका जो भी सपना है ना, सब सपना आपका मैथमेटिक्स पूरा करेगा। चाहे वो आपको नेम चाहिए, चाहे फेम चाहिए, चाहे मनी चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि इनर सेटिस्फेक्शन आपको इससे मिलेगा। बट आप अपना जो फोकस है वो सिर्फ इस पे रखो, मैथमेटिक्स पे, कि आपको बहुत ही अच्छे से मैथमेटिक्स को सीखना है। तो मैंने जैसे ये बताया कि इफ़ यू डू, माय क्वेश्चन वाज डू यू रियली वांट और डू यू रियली लव मैथमेटिक्स, तो आपका 3 आंसर हो सकता है, या तो यस या नो या नॉट श्योर। अगर आप यस है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अगर आपका आंसर यस है तो ये बहुत ही अच्छा जगह है आईआईटी, और ये आप बहुत ही सही जगह पे हो, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स से ही प्यार करना और ज़्यादा अच्छे से सिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छे से चीज़ों को, मैथ्स को एक अलग नज़र से आप कैसे देख सकते हो। अगर आपका आंसर नो है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ कनेक्टेड रहो, अच्छे से जो मैं आपको बताऊँ उसको फॉलो करते रहो, ये आपका यस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका ये नो अभी तक इसलिए होगा क्योंकि आपने अभी तक मैथ्स की सुंदरता को नहीं देखा, इट मीन्स कि आपको वो थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, या जिन्होंने आपको बताया होगा मे बी आपके बचपन से भी, तो वो भी खुद मैथ्स उन्होंने सिर्फ इसलिए ले लिया होगा क्योंकि उनको कहीं और मिला नहीं कुछ, तो वो बस आ गए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बट मैथ्स बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और अगर आपका नॉट श्योर है आंसर, तो इसके पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक्स रीजंस हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि मैथ्स में पैसा नहीं है, आपको एसएससी सीजीएल दे करके ज़्यादा अच्छा कुछ हो जाएगा, तो इस पर मैं बहुत ही डिटेल्ड में आने वाले टाइम में बात करूँगा। बट मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप आज से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, मान लो एसएससी की, तो आपको जॉब मिलते मिलते एटलीस्ट 2 साल लगेंगे। ये 2 ईयर्स का आपका टाइम होगा जो आपको एटलीस्ट लगेगा। लेकिन अगर आप अभी से जेम के लिए प्रिपेयर करते हो ना और आईआईटी क्लियर कर लेते हो, तो जस्ट 2 साल के बाद आप एक आईआईटी से पास आउट एमएससी स्टूडेंट रहोगे, जो आपकी आप मास्टर्स किए हुए रहोगे। और आप, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक स्कोप बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो, छोटा सा चीज़। आपको पता ही होगा कि आपके लोकेलिटी में ही जो टीचर्स हैं, जो ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं, मास्टर्स पढ़ाते हैं, वो कितने ज़्यादा पैसनेटेड हैं। ऑब्वियस बात नहीं है बहुत ज़्यादा पैसनेटेड, उनको खुद ही नहीं पता है। वो सिर्फ होता है कितना बार तो ऐसा होता है कि वो उन्होंने खुद किसी छोटे मोटे कॉलेज से छोटे मोटे, इट मीन्स कि मतलब वो जस्ट ऐसे ही बस उन्होंने कर लिया, और उनको जब पैसे का जरूरत पड़ा तो उन्होंने ग्रेजुएशन अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ग्रेजुएशन के बच्चों को या फिर मास्टर्स के बच्चों को। बट आप खुद सोचो कितना बड़ा स्कोप है। आप आईटी से अगर पास आउट रहोगे और आप अगर मास्टर्स को पढ़ाओ, मैं जस्ट आपको छोटा सा स्कोप बता रहा हूँ, इसमें आप जितना कमाओगे ना एसएससी में, इससे 4 to 5 times सब कुछ टाइम पे ही, इवन 1 ईयर ही आप कमाने लग जाओगे। और इसमें स्कोप आगे तो बहुत है, आप कितने बड़े बड़े चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे मैथमेटिक्स में। हर दिन आप मैथ्स को जियोगे, रिसर्च करोगे, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो। मतलब आप एक बहुत बड़ा, ये एक है आपका एक्सप्लोर करने का वर्ल्ड, जिसमें आप आईटीज में जाने के बाद तो आप खैर बहुत ही बड़ी दुनिया देखोगे। अभी जो हमारे माइंड में होता है कि एमएससी जो होता है वो एंड है मैथमेटिक्स का, बट आपको आईटीज में जाने के बाद लगेगा ना कि एमएससी तो, जैसे कि मैथमेटिक्स एम से स्टार्ट होता है,
वैसे एमएससी भी मतलब कि आपका मैथमेटिक्स भी एम से ही स्टार्ट होगा, मतलब कि एम मतलब कि एमएससी से, एमएससी के बाद तो मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा, ऐसा आपको फील आएगा वहाँ जा करके। और मैं आपको वो कोशिश करूँगा वो फील यहाँ पे भी देने का। बहुत कुछ हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे प्रूफ्स करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिक्स को। और हमारा टारगेट तो ये होगा ही आपको आईआईटीज में लेकर के जाना। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि आईआईटी जैम है क्या। अभी तक आपको सिर्फ ये पता है क्योंकि आपने फॉर्म अगर भरा है आईआईटी जैम का, और अगर नहीं भी भरा है तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ सकते हो। रीज़न क्योंकि मैं जब आपका एग्ज़ाम होगा तो मैं आपका एक वर्चुअल एग्ज़ाम क्रिएट करवाऊंगा वही सेम क्वेश्चंस का। आफ्टर सम डेज लाइक 14 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है 2021 को, तो मैं आपका एग्ज़ाम 24 या मे बी 26 या उसी के रेंज, मतलब विद इन 15 to 20 डेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। और मैं आपको आपका पेपर चेक करके एग्जैक्ट आपका रैंक और मार्क्स बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आएगा, ताकि आप इन फ्यूचर जब दोगे तो आप बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे, आपको पता रहेगा कि आपको साल भर में क्या प्रिपरेशन करना है। तो मैं उसकी भी आपको तैयारी कराऊंगा और आपकी आपको बताऊंगा कि आप क्या करोगे, बट पहले हम ये कोर्स पे फोकस करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो पहले आईटी जैम है क्या। इससे सिर्फ आपको आईटीज में एडमिशन नहीं मिलता है कि अगर आपका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ तो बस ख़त्म, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपका एनआईटीज है, 21 एनआईटीज है जो कि लोगों को पता ही नहीं होता है, वहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। एक आईआईएससी बैंगलोर होता है जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, जो इसका रैंक वर्ल्ड वाइड आता है। आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्या है, ये आपका रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिसर्च होता है। ये आपका एक ही है बैंगलोर में, एक है आपका आईजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब ये क्या है, ये भी आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये 7 इंस्टीट्यूट्स है टोटल। इन दोनों का एडमिशन का क्राइटेरिया इसी के बेसिस पे होता है, पहले आपको जैम क्लियर करना होगा और उसके बाद इसकी कुछ इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू इट मीन्स कि कुछ टीचर्स होंगे, ये आपका जॉब इंटरव्यू टाइप नहीं होगा, कुछ टीचर्स होंगे 4-5 टीचर्स, वो सिर्फ आपका देखना चाहेंगे कि आपको प्रूफ्स वगैरह भी आते हैं कि नहीं, कि सिर्फ आपने कहीं आपने एग्ज़ाम सिर्फ ऐसे ही बस टिक मार करके बस ऐसे ही तो एग्ज़ाम नहीं निकाले, द लक बेसिस पे तो एग्ज़ाम नहीं निकाला है, तो बस ये वो चेक करते हैं आपका बेस और कॉन्सेप्ट देखते हैं। और ये आपको आईटी जैम क्लियर करने के बाद दो आपको चीज़ें ऑफर होगी, एक एमएससी और एक इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएससी पीएचडी। ये क्या होता है, एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी। एमएससी तो आपको पता है मास्टर्स इन साइंस बीएससी के बाद जो आप करते हो 2 साल का कोर्स होता है, और ये इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी क्या होता है, इसमें आप एक ही बार में इनरोल्ड होगे कॉलेज में और आप सीधे पीएचडी करके निकलोगे, यानी कि एमएससी भी और पीएचडी भी साथ साथ में, दो कोर्सेज ऑफर होते हैं। अब हम थोड़ा सा और अपने एग्जाम्स को जानते हैं अच्छे से, क्योंकि अल्टीमेटली हम मैथ्स को सीखेंगे लेकिन हमें एग्ज़ाम तो निकालना है। तो देखो इसको आप समझो कि आपके पास सिर्फ 60 क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ 60 क्वेश्चंस आपको बनाना है और आपके टाइम होगा 180 मिनट, यानी कि 3 मिनट होगा आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, जो कि कम समय नहीं है, बहुत समय है अगर आप ध्यान से यूज़ करो तो। मार्क्स होगा आपका 100। ये 3 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। सेक्शन ए जो होगा वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ एक आंसर करेक्ट होगा। इसमें आपका 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये होगा आपका 50 मार्क्स का। अगर 10 या जो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें अगर आप गलत करते हो तो आपका कटेगा 0.33 मार्क्स, और अगर आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में गलती करते हो तो आपका कटेगा 0.66 मार्क्स। तो ये आपका 50, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखता है सेक्शन ए, जो कि क्योंकि ये वाला पेपर आपका 50 मार्क्स का पेपर है। अब जो हमारा सेक्शन बी है, जो ये सेक्शन हमारा 50 मार्क्स का सेक्शन है, और ये सेक्शन बी जो है वो उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, तो ये आपका 20। ये एमएसक्यू का मतलब हुआ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें कुछ नहीं होगा। फिर सेक्शन सी जो है आपका वो है एनएटी, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो आंसर आएगा आपका वो इंटीजर वैल्यू या फिर रियल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इस टाइप के कुछ नंबर्स आएंगे, यानी कि आपका न्यूमेरिकल आंसर आएगा, वो आपको लिखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा ये क्वेश्चन। इसमें 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चंस होता है, यानी 10 मार्क्स, और 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, यानी कि 20 मार्क्स। तो ये टोटल हो गया 30, ये 20, 50 और ये 50, तो ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो बस आपको क्या करना है, यही ये आपका पेपर है, ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और इसमें आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा जो मैंने अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में यूज़ किया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैंने
बहुत कुछ सीखा था प्रिपरेशन करते करते कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपरली। तो मैं वो सारे टेक्निक्स और टिप्स आपको बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको दूंगा और आपको वो अप्लाई करना है, आपको भी सेम यही रिजल्ट मिलेगा। और बस आप ये एक्साइटेड रहो इस चीज़ के लिए, मैथ्स को सीखने के लिए, ना कि सिर्फ इसके लिए। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और अब हम सिलेबस को देखते हैं, अपने सिस्टम में हम सिलेबस को देखते हैं बहुत ही डिटेल्ड में, फिर मैं आपको एक ब्लूप्रिंट देंगे कि कैसे आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो आइए अब हम लोग सिलेबस देखते हैं। तो ये है हमारा जैम का सिलेबस, जैम 2021 का सिलेबस, और ये हमारा रीसा एजुकेशन, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे आप आईटी की तैयारी करोगे आईटीएंस के साथ। अब देखो, अब हम ये जैम के सिलेबस को समझते हैं अच्छे से कि ये सिलेबस में आपका कौन कौन सा पेपर्स है। और इसको सबसे पहले मेरा काम होगा, क्योंकि देखो अगर आप खुद सोचो ये चीज़ कि अगर आपको ये जैम का एग्ज़ाम क्लियर करना हो है और अगर आपको ये सिलेबस के बारे में नहीं पता हो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बच्चों का मैक्सिमम बच्चों को, जो मेरे भी फ्रेंड हैं आईआईटीज़ में, मतलब उनका फर्स्ट अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ या उनके फ्रेंड्स से बहुत सारे उनका क्लियर नहीं होने का रीज़न क्या है, और जबकि वो बताते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स थे वो उनसे ज़्यादा पढ़ते थे और टैलेंटेड थे, बट उनका नहीं हुआ। रीज़न क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना, और जो सिलेबस में कितना बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ पढ़ रहे होते हैं जो सिलेबस एग्ज़ाम में आने वाला ही नहीं है, आप उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हर समय आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ जैम में आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। अगर आपको मन करता है कि जो नहीं आने वाला है वो भी पढ़ना है, आप थोड़े देर पढ़ सकते हो आधा एक घंटा, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको जैम के बारे में पढ़ना। और अगर आपको फिर भी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है उस टॉपिक में, तो आप आफ्टर जैम पढ़ सकते हो, यानी कि 14 फरवरी 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा, आप इसके बाद पढ़ना उस चीज़ को। तो देखो पहली चीज़ को समझते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है इसमें कितने पेपर्स हैं। तो टोटल आपके 9 पेपर्स होंगे, जिसमें से आपका 4 प्योर मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट्स होगा और 5 आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होगा। अब ये प्योर और अप्लाइड क्या होता है, जो आपके प्योर के पेपर्स होंगे वो आपके थ्योरम्स पे, लेमास पे, प्रोपोजिशंस पे, ये सब चीज़ों पे बेस्ड होंगे। और अप्लाइड का जो पोर्शन होगा ये आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। तो ये आपने ऑलरेडी अपने बीएससी में पेपर्स पढ़े, कोई भी पेपर आपका नया नहीं है, सारे आपने ऑलरेडी बीएससी में पढ़ा हुआ है। बस हम क्या करेंगे, उन सब फार्मूलाज को एक जगह रिवाइज़ करेंगे, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें सारे जगह एक जगह नोट्स लिखा हो, मतलब कि आपका जो जो फार्मूलाज यूज़ होगा या कॉन्सेप्ट या थ्योरम या लेमा वो सब लिखा होगा, वो सबको आपका आपको अपने हैंडराइटिंग में उसको नोट डाउन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रिवाइज़ करना है। ये सब चीज़ मैं आपको बहुत ही डिटेल में भी बताऊँगा, पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो देखो हमारा प्योर मैथमेटिक्स में कौन कौन सा 4 पेपर है, इसमें है आपका रियल एनालिसिस, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर एल्जेब्रा। तो इसको हम देखेंगे। देखो इसमें मैंने लिखा है कि टोटल आपका 12 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है, ये भी 12 टॉपिक्स मैंने डिटेल्ड में डील किया है कि कौन कौन सा टॉपिक्स है। फिर हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, जिसमें आपका 13 टॉपिक्स है टोटल, ग्रुप थ्योरी में 10 टॉपिक्स है और लीनियर एल्जेब्रा में 14 टॉपिक्स, यानी टोटल मिला करके 49 टॉपिक्स हैं। तो आप अपने दिमाग में रखो, सिर्फ आपको ये 49 टॉपिक्स क्लियर करना है जस्ट इस प्योर मैथमेटिक्स के लिए। फिर हम देखते हैं अब आने वाले टाइम पे हम ये सब एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इससे कितने आते हैं, और एग्ज़ाम कर में कितना आपको मार्क्स लाना होगा, कौन कौन से आईआईटीज़ के लिए और कितने रैंक में कौन से आईआईटी मिलती है। तो ये सारा चीज़ हम बहुत ही डिटेल्ड में देखेंगे, पर अभी हम सिलेबस पे फोकस करते हैं। तो देखो आपका सिलेबस क्या है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसमें है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन ऑफ 1 रियल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, फिर है इंटीग्रल कैलकुलस, फिर है वेक्टर कैलकुलस। तो ये आपका टोटल है 41 टॉपिक्स, यानी दोनों मिला करके आपका हो जाएगा 90 टॉपिक्स। तो बस ये टोटल 90 टॉपिक्स, अगर आपको सच में मैथ्स की अच्छा मतलब मैथ्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके आईटीज़ की दुनिया को एक्सप्लोर करना है, तो आपको जस्ट ये 90 टॉपिक्स कवर करने हैं। आज है आपका 31 अक्टूबर और आपका एग्ज़ाम होगा 14 फरवरी को, यानी कि 13 तक आपके पास टाइम है, 13 फरवरी 2021 तक, यानी टोटल मिला के आपके पास सिर्फ 105 दिन है। तो बस ये 105 दिन में आपको वही करना है जो मैं आपको बताऊँगा,
आप अच्छे से फॉलो करना आपका एग्ज़ाम। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर ढंग से जो मैं आपको बताता हूँ आप करते हो तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम निकालना मैं फिर बोलूँगा आपका लास्ट पर्पस नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए मैथ्स, हर एक दिन मैथ्स को एंजॉय करना। तो चलो देखते हैं हमारा। अब देखो ये मैंने जो ये बनाया है इस तरह से नंबरिंग वाइज, ये होगा आपका जो जो पेपर स्टार्ट होगा जिस तरह से, मतलब कि पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कराया जाएगा फर्स्ट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियल एनालिसिस, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर थर्ड, फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ टू और थ्री रियल वेरिएबल, उसके बाद देखेंगे हम इंटीग्रल कैलकुलस, फिर देखेंगे ग्रुप थ्योरी, फिर पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो आपका ये टोटल हो जाएगा 9 पेपर्स। तो चलो इस पूरी सिलेबस को हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ते हैं और डिटेल्ड में समझते हैं कि आपका क्या क्या टॉपिक्स है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आएगा। तो जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर किया है कि आपका 10 टॉपिक्स है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो देखो ये 10 टॉपिक्स आपका कौन कौन सा है। तो ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इसमें आपका पहला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म वाई डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल्स टू एफ एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड होगा आपका बर्नौलीज इक्वेशन, ये सब ऑलरेडी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई है। थर्ड है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर फिफ्थ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, फिर पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये पीडीएफ। और फिर ये 8 नंबर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और 9 नंबर है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, एंड 10th है कोशी-आइलर इक्वेशन। ये सारा आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है अपने ग्रेजुएशन में, इसको हम और अच्छे से क्वेश्चन बेस्ड डील करेंगे, क्वेश्चन के बेसिस पे सारी चीज़ों को डील करेंगे, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा इसके बेसिस पे, आपको कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस भी दूंगा डेली बेसिस पे बनाने के लिए। आपको बहुत ही अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को बनाना है और बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना है चीज़ों को। ये सब मैं आपको गाइड करूँगा कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है और कैसे आपको क्या चीज़ पढ़ना है, बस आप उस चीज़ को फॉलो करना। और ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर है इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है रॉन्सकियन, जो आपने नहीं पढ़ा होगा इसको हम रॉन्सकियन मेथड से देखेंगे, ये थोड़ा सा नया होगा, इसलिए मैंने आपको कल भी बोला था और मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ, आप ओडी का जो आप पेपर जो आप बुक फॉलो करते हो, चाहे वो आपका लालजी प्रसाद हो या एम डी राय सिंघानिया हो या एस एल रोज हो, जो भी आपका बुक है आप उसको निकालो और रिविज़न स्टार्ट करो ये सारे फार्मूलाज को लेकर के। अब ये हम अपना कोर्स जब मंडे से स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा। कल आपको संडे को आपका एक वीक का यानी मंडे टू संडे आपको प्लान मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, और ये सब हम देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा, पहले हम सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा रियल एनालिसिस। अब ये हमारा रियल एनालिसिस क्या है देख लेते हैं। रियल एनालिसिस में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स मतलब कि टॉपिक्स हैं, इसमें आपके 12 टॉपिक्स है टोटल, जो कि है इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट। मैं चाहूँ तो अभी ये सारी चीज़ों को मैं डील कर सकता, बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कि सिर्फ आपको इतना करना है, ये सब चीज़ को कंप्लीट करना है, आपका आईआईटीज क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसे नंबरिंग वाइज कर दिया है क्योंकि ये आपको कहीं इस तरह का मिलेगा नहीं, मैंने खुद प्रिपेयर किया, और ये मैं अपने एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर किया था, मैंने सारे नंबरिंग से काउंट कर लिए थे ताकि मेरे मुंह पे रहता था 90 टॉपिक्स की इसमें टोटल 9 टॉपिक्स है आईटी क्लियर करने के लिए। उस 9 टॉपिक्स में मैंने सब कैलकुलेट कर लिए थे कि 4 प्योर का पेपर है, 5 अप्लाइड का पेपर है, 4 प्योर में कौन कौन सब्जेक्ट है उसमें कितना कितना टॉपिक्स है, 5 जो अप्लाइड के पेपर्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है, जैसे ओडी में 10 है, फिर दूसरे सब्जेक्ट में 5 है, किसी में 8 है, ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा हर एक टॉपिक मुझे याद रहता था कि ओडी में 10 टॉपिक्स है तो वो कौन से दस टॉपिक्स हैं, फिर अगर प्योर में रियल एनालिसिस में अगर टोटल 12 टॉपिक्स हैं तो वो 12 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो ऐसे आपको मुंह पे याद होना चाहिए। और आपको देखो इसमें क्या करना, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी आप क्या करना, मैं आपको ये पीडीएफ तो सेंड कर दूंगा, ये आप निकाल करके रख भी लेना, लेकिन अभी आपको क्या करना है, और अभी जैसे आपका पहले ये पेपर स्टार्ट होगा ओडी का पेपर, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ओडी के लिए आपको इस 10 टॉपिक्स को, इसको जो मैंने किया था एक्चुअली, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे, एक वाइट पेपर लेना है, उसमें लिखना ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सारे 10 टॉपिक्स लिखने हैं
और अगर आप अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो तो कर दो, या फिर अपने डोर पे या किसी भी चीज़ पे जहाँ पे आप उसको देख सको, अगर आप पेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर आप घर में पेस्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप भाड़े के घर पे रहते हो या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको एक फाइल में रख लो जिसमें आप उसको पलट करके देख सको। लेकिन कोशिश करो मैक्सिमम, क्योंकि मैंने यही काम किया था, अपने वॉल पे चिपकाया था ताकि मैं मैक्सिमम टाइम ये 10 टॉपिक को देखते रहता था, और मैं अपने आप को बार बार बूस्टअप करते रहता था कि इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बना लूँगा। तो आपको भी यही काम करना है कि आपको देखना है खुद को और बोलना है कि ये क्वेश्चन लीनियर तो मुझसे बन जाएगा, लीनियर कुछ नहीं छूटने वाला है, बट नॉलेज बन जाएगा, एग्जैक्ट के क्वेश्चंस हो जाएंगे, मुझे आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये सब मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस और सिलेबस के बेसिस पे। बस आपको ये दिमाग में रखना है और अपने अंदर से ये कॉन्फिडेंस लाना है कि ये बन जाएगा क्वेश्चंस, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हो जाएगा। मैं बार बार लिटरली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा, बट मैं ऐसे ही खुद को बार बार बोलता था कि होमोजीनियस के क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन मैं आराम से बना लूँगा, हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट तो बनना ही बनना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और मैं साथ साथ जब ये बोलता था तो मैं माइंड में चलाते भी रहता था कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो इसीलिए मैं आपको जितने भी, जब से आपका जैम का ये ऑब्जेक्टिव जो आप अभी फॉलो कर रहे हो रूल, मतलब जो पैटर्न अभी फॉलो कर रहा है जैम, वो स्टार्ट हुआ था आपका 2015 से अभी 2020, यानी कि 6 साल का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी 360 क्वेश्चंस, ये मैं 360 क्वेश्चंस को आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा आपको, और वो भी टॉपिक वाइज कि इससे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको, ताकि समझ में आएगा कि इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बस उस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करके माइंड में क्लियर कर लेना है कि एग्जाम में आएगा, अपने आपको कॉन्फिडेंस इतना देना है कि वो आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। आपको बार बार ये बोलना है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो बन जाएगा, आईलेट्स इक्वेशन बन जाएगा। और बार बार आपको जो मैं आपको भी बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है पेजेस में लिख के, अरे अगर कॉपीज़ कैसे बनानी है, और कैसे बार बार रिवाइज़ करना है उसको, इतना रिवाइज़ करना है कि आपको एकदम अंदर से ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड आपका ये बिलीव करने लग जाए कि आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा। और मैंने और भी बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो की थी, छोटी छोटी टेक्निक्स जो आपको बहुत ही मदद करेगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस करने के लिए, तो वो मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊंगा। पहला बीसी को समझो, ये हो गया इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज सेट, फिर बाउंडेड सेट, ये 5 टॉपिक्स है आपका। मैं आपको देखो ये याद भी करवा सकता हूँ, लेकिन अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि 9 टॉपिक्स मुझे बताना है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जब हम रियल एनालिसिस में आएंगे तो ये सारे आपको 12 टॉपिक्स जो मैंने याद किया था जिस तरह से, मैं आपको याद करवा दूंगा सारे सिलेबस को, ताकि आप जब भी पढ़ो तो आपको पता होगा कि ये आपका सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, एकदम टू द पॉइंट आप पढ़ोगे। फिर है आपका कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट सेट और कंप्लीटनेस ऑफ आर, फिर है पावर सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, एंड नेक्स्ट है टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो ये होगा आपका 12 टॉपिक्स। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे थर्ड नंबर अपना, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। इसमें आपको पहला पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पढ़ना है, फिर बाउंडेड एंड मोनोटोन, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ग्रेजुएशन में। तो ये सब जब पेपर स्टार्ट होने वाला रहेगा उससे पहले आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा, उस 2 दिन से पहले आप निकाल करके, या तो मैं आपको सारा चीज़ बताऊँगा ही, सारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, नोट्स, सब कुछ बताऊंगा, बट पहले आप क्या कर सकते हो, 2 दिन पहले आप अपना जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जिस तरह से जो नोट्स आपने पढ़ा है, तो वो सब आप रिकॉल कर सकते हो ताकि आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे, फिर कुशी सीक्वेंस देखेंगे, सब सीक्वेंस, बोल्ज़ानोविट्ज़ थ्योरम, सीरीज ऑफ रियल नंबर, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, ये सारे का मैं आपको कि ये क्या होता है, बाउंडेड, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटोन सीक्वेंस क्या होता है, इसका मैं आपको डेफिनेशन करवा दूंगा, एग्जांपल लिखवा दूंगा, और इसके बाद हम जिस तरह से क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। मैंने ऐसे ही प्रिपरेशन किया था एग्ज़ाम का, और ये बहुत ही सही तरीका है कम समय में एग्ज़ाम को क्लियर करने का। देखो नेक्स्ट फिर टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म्स, अब ये क्या है, इसमें आपके 4 टेस्ट आते हैं, कंपैरिजन, रेशियो, रूट टेस्ट और लिबनिस टेस्ट। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है अल्टरनेटिंग सीरीज के लिबनिस टेस्ट। तो ये 15 टॉपिक्स हैं टोटल, सॉरी 13 टॉपिक्स हैं टोटल रियल एनालिसिस सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, इसके बाद आपका 4th होगा फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, मतलब आप फंक्शंस ऑफ वन रियल वेरिएबल पढ़ोगे, एक रियल वेरिएबल का फंक्शंस जो होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये मैं मान के चलूँगा कि आपने नहीं पढ़ा है, और मैं आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से बताऊँगा, इसलिए आपको डरना नहीं, अगर आपको नहीं इसमें समझ में आया था अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे, आपको नहीं आता है तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम देखेंगे लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के बाद, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के बाद हम देखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, टेलर्स थ्योरम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम।
ये कंप्लीट आपका 2021 का जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये फोर्थ जो है, फोर्थ टॉपिक, इसमें आपका 9 है टोटल टॉपिक्स, मतलब फोर्थ वाले में आपका 9 टॉपिक्स है। अब देखो ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें आपका क्या है, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल्स में, इसमें आपको सिर्फ 5 चीज़ पढ़ना है, लिमिट। अब ये जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी, ये ऊपर भी था बट वो था 1 वेरिएबल के लिए, ये है 2 वेरिएबल के लिए, लिमिट कॉन्टिन्यूटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड नेक्स्ट है आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सारी चीज़ों को हम विथ डेफिनेशन, विथ एग्जाम्पल, विथ नोट्स एंड प्रॉपर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे, सारे जो पास्ट में क्वेश्चन आए हैं वो सबको हम बनाएंगे। अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या करना है, इंटीग्रल कैलकुलस में आपका है टोटल 7 टॉपिक्स। देखो इसमें आपको क्या पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस में, होपफुली आपने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ लिया होगा क्योंकि ये शायद थर्ड या फोर्थ सेम में ही था, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा आपके लिए मे बी नया टॉपिक होगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है ट्वेल्थ में, डेफिनेट इंटीग्रल आपने पढ़ा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखेंगे, ये भी था आपके क्लास ट्वेल्थ में। फिर यहाँ हम नया चीज़ सीखेंगे, डबल और ट्रिपल इंटीग्रल, उसका ऑर्डर चेंज करना, वाई को एक्स के टर्म में और एक्स को वाई के टर्म में रिप्लेस करना, मतलब कि ऑर्डर चेंज करना बेसिकली, ये हम सीखेंगे। फिर सरफेस एरिया और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना डबल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना डबल इंटीग्रल के हेल्प से, फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना ट्रिपल इंटीग्रल के हेल्प से, तो ये सब हम सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी में 10 टॉपिक्स, तो ये 10 टॉपिक आपके कौन कौन से होंगे, ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियंट ग्रुप, नॉन अबेलियंट ग्रुप। देखो ऐसे भी आपको याद हो गया होगा, ग्रुप, सब ग्रुप, अबेलियंट ग्रुप, नॉन अबेलियंट ग्रुप, ये आपका 4 टॉपिक्स हैं। फिर आप 3 टॉपिक्स के और एक, इसको 3 को एक ग्रुप में डाल दो, यानी कि साइक्लिक, परम्यूटेशन, नॉर्मल, और फिर 3 डाल दो लैग्रांजेस, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वेश्चन 2। देखो ये सब आपने शायद ग्रुप होमोमॉर्फिज्म वगैरह का फर्स्ट थ्योरम क्या होता है, फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम, ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा, उसका प्रूफ्स आपको बहुत दिक्कत होता होगा, बट ये सब चीज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अल्टीमेटली ये सब चीज़ों को सीख करके, क्योंकि ये सब टॉपिक्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि आपको, मतलब अगर आपको अभी भी कभी अगर मन में ये लगता होगा कि बचपन का मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग था 10th तक में या फिर 12th तक में, तो वो आप भूल जाओगे ये सब को सॉल्व करने के बाद और अच्छे से पढ़ने के बाद। फिर देखो अब नेक्स्ट है हमारा स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, ये सब हम देखेंगे। फिर ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो हम लेते हैं, ये डेल का, ये सब समझेंगे कि ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, क्या करता है, सबको हम लोग अच्छे समझेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग समझेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है, फिर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम क्या होता है, स्टॉक्स थ्योरम क्या होता है, फिर गॉस थ्योरम क्या है, ये सब भी शायद आपने पढ़ा होगा आपके शायद मे बी सेकेंड या थर्ड में, या फिर आपने अगर फिफ्थ, ये ऐसे शायद मे बी फिफ्थ का है टॉपिक, क्योंकि ये कुछ पार्ट आपको इसमें पढ़ना था सेकेंड वाले में, ये शायद फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट में ही पढ़ना था इनफैक्ट, हमने तो फर्स्ट में पढ़ा था और फिर फिफ्थ में था कुछ टॉपिक्स। तो आपका जो भी होगा अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी डरना नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से। फिर नेक्स्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक इन ऑल दोज 9 टॉपिक्स, ये बहुत ही अच्छे से ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ाई होता है और ना ही आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में इससे, बट यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है लीनियर अलजेब्रा में इस कोर्स में। तो ये मैं लास्ट में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तब तक, क्योंकि आपको फोर्थ सेम में पढ़ना है, तो अगर आप कोई बच्चे फोर्थ में इन्वॉल्व होंगे तो अभी पढ़ ही रहे होंगे इसको, ताकि आप वो एक बार ग्रेजुएशन में पढ़ लो, ताकि मैं इसको जब को बताऊँ तो अच्छे से आपको और समझ में आए और मज़ा भी आए साथ में। तो इसमें आपका टोटल होगा 14 टॉपिक्स, ये 14 टॉपिक्स मैं एक बार रीड कर देता हूँ फटाफट, अगर आप अगर कोई बच्चे जो पास आउट हैं ऑलरेडी उनको समझ में आएगा ये सब चीज़। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हम देखेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में देखेंगे, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, रैंक नलिटी थ्योरम, फिर रैंक एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, डिटर्मिनेंट के बारे में देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे, फिर उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में देखेंगे, फिर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर, और हम इसमें मैट्रिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स को हम एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीट करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स को हम एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ फंक्शन, तो हम लोग ये भी समझेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स को फंक्शन क्यों बोलते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि फंक्शन का काम क्या होता है बेसिकली, जैसे टी मान लो एक फंक्शन है, उसका काम क्या है कि कोई भी उसके पास अगर कोई इनपुट जाएगा तो वो बदले में कोई आउटपुट देगा,
मतलब ये इनपुट गया एक्स तो ये बदले में आपको आउटपुट मिल गया टी एक्स। यानी बेसिकली बोल सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइक अ मशीन, फंक्शन इज लाइक अ मशीन। आप इसके अंदर एक्स डालो, ये टी एक फंक्शन, या मान लो एफ जो आप यूज़ करते हो फंक्शन है एफ, यानी कि एक मशीन है, बदले में आपको एफ एक्स दे देते हैं। ये हो गया आपका आउटपुट, ये था आपका इनपुट। लेकिन अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता मैट्रिक्स में, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? मैट्रिक्स तो जस्ट आपका कुछ एरे रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका। इसको भी हम लोग समझेंगे मैट्रिक्स और क्या होता है, कंप्यूटर्स में इसका कैसे यूज़ होता है, ये सब एप्लीकेशंस को भी जानेंगे। पर अभी ये चीज़ को समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मैट्रिक्स क्यों बन जाता है, फिर मैट्रिक्स आपका कोई फंक्शन क्यों बन जाता है? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो मैट्रिक्स को भी अगर आप कोई इनपुट दोगे, लाइक मान लो कोई आप अगर एक्स देते हो, तो बदले में ये आपको कोई इसी तरह का आउटपुट देगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ये शायद आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। लेट से मान लो आपका एक मैट्रिक्स है, एक आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, लेट से आप इसमें इनपुट डालते हो। मान लो जैसे कि अगर आप जब अपने फंक्शन पढ़ा होगा, तो मान लो कि फंक्शन, अगर आपने टू वेरिएबल का फंक्शन पढ़ा होगा एक्स वाई, तो इसमें आप क्या करते थे, एक्स और वाई दो इनपुट देते थे। तो मान लो मैट्रिक्स को आपने दो इनपुट दिया, 1 और 2 दिया लेट से, तो आप इसको जब आउटपुट, जब इसको इनपुट डालोगे इसके अंदर मैट्रिक्स में, ये फंक्शन है, मान लो ये एक मशीन है जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो, तो इसमें इनपुट का कुछ तरीका है। वो इनपुट आप ऐसे नहीं डाल सकते, ऐसे जैसे आप 1 2 ऐसे ले तो एक्स का वैल्यू 1 2, ऐसे नहीं। ऑर्डर पेयर में इसको आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ही, अगर आपको मल्टीप्लाई भी करना है, ये मैट्रिक्स 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होना चाहिए 2 क्रॉस 1 का होना चाहिए, क्योंकि ये और ये मैच करना चाहिए। मतलब इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने नंबर ऑफ रोज इसमें होने चाहिए। तो आप 1 2 को ऐसे लिखोगे, देखो आपने ये इनपुट डाला 1 2 इस फंक्शन में, यानी इस मैट्रिक्स में, देखो ये आपका क्या दे रहा है बदले में, प्रोडक्ट होकर के 1 और 2 2 4, यानी कि 5, और ये 3 और 8, यानी कि 11। तो आप देखो अल्टीमेटली मैं बोल सकते हैं कि मैंने डाला 1 2 इस मैट्रिक्स में, और मुझे बदले में क्या मिला, 5 और 8। तो देखो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये हमने जो अभी देखा था, हमने 1 2 3 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये आपका आ रहा था 4 2 8 और 3 11, सॉरी ये 11 यहाँ पे आ रहा था हमारा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 11। तो ये होगा 5 और 11, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका 5 और 11। तो देखो आप ये मैट्रिक्स कैसे ट्रीट होता, तो यहाँ पे फिर हम मैट्रिक्स को, अब यहाँ पे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे एक मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इस वेक्टर को कोई एक वेक्टर, अब मैट्रिक्स को भी हम वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि, यानी कि कोई अगर मैट्रिक्स है लेट से 1 2 है, तो इसको आप वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये 1 2 3 4 इस टाइप से आप बना दो, यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप से ले लो कुछ, तो यहाँ पे देखो आपका 1 2 क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 2, यानी कि ये पार्ट। तो आप मैट्रिक्स को ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि ये 1 2 पे ये ए लगा और इसने कहाँ पहुँचा दिया इसको, 5 और 11 में। नहीं मान लो कि कहीं 5 यहाँ पे और 11 मान लो लेट से यहाँ पे ऊपर में हो गया, नहीं यहाँ, तो इस मैट्रिक्स ने क्या किया, मान लो यहाँ पे कहीं पे है 5 11, तो इस मैट्रिक्स ने, ए ने क्या किया, इस पे इस 1 2 को, इस 1 2 पे ये फंक्शन लगा और इसने पहुँचा दिया इसे यहाँ पे, यानी कि 5 एंड 11 पे। तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो खैर ये सब चीज़ हम देखेंगे, खैर आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर सॉरी, मैं यही थोड़ा प्रॉब्लम है, मैथ्स इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि मैं आपको बताते बताते सिलेबस मैंने वो बताना स्टार्ट कर दिया था, बट वो सब हम देखेंगे लास्ट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा। फिर हम देखेंगे लास्ट में केले हैमिल्टन थ्योरम, और बस आपको ये 90 टॉपिक्स, अगर आपको आईटीज चाहिए और आपको एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है मैथमेटिक्स का, तो सिर्फ आपको ये 90 टॉपिक्स कवर करना है बहुत ही अच्छे से, और ये 90 टॉपिक्स आपका आईटीज का ड्रीम को पूरा करेगा। और आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम रख लो कि एग्ज़ाम तो निकालना है किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए। बस इसी होप के साथ और इसी एटीट्यूड को आप मेंटेन रखो। तो हम लोग कुछ ब्लूप्रिंट देखते हैं कि कैसे आप आईटीज में पहुंचोगे। तो आपका अभी आपने देखा कि टोटल आपका 9 पेपर्स हैं और आपके पास 90 टॉपिक्स हैं। टाइम आज आपका 31 अक्टूबर से लेकर के आपका 13 फरवरी तक आपके पास 105 दिन हैं, 105 डेज। ये टोटल 105 डेज होता है आपका 15 वीक्स,
तो इतना आपके पास टाइम है, टॉपिक्स इतना कवर करना है, ये 9 पेपर्स में पढ़ना है। मैं आपको 18 डेज में ये टॉपिक्स कवर कराऊँ, 90 टॉपिक्स विद क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर जो आपके 25 दिन बचेंगे उसमें आपको अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पूरा कंप्लीट सारे 9 पेपर का प्रैक्टिस। उसमें मैं क्या करूँगा कि आपको 2 माइनर और 4 फुल लेंथ, सॉरी यहाँ पे आपको 4 माइनर और 2 फुल लेंथ टेस्ट। ये 4 माइनर और 2 फुल लेंथ टेस्ट का मतलब क्या हुआ, माइनर का मतलब हुआ कि आपके यहाँ पे 9 पेपर हैं टोटल, तो इस 9 पेपर में मैं आपको एक प्योर और एक अप्लाइड मिला करके एक पेपर बनेगा, 20 क्वेश्चन का पेपर, ऐसा ऐसा 4 पेपर आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो आपके लाइक 80 डेज के बाद। 80 डेज अगर आप देखो तो 10th जनवरी होता है, सॉरी 20 जनवरी, तो इसका मतलब कि आपकी जस्ट 3 दिन के बाद, यानी 23 तारीख को एक माइनर पेपर होगा, फिर 26, और ऐसे करके फिर आपका एक फुल लेंथ पेपर होगा इसी के बीच में लाइक 27 को। ये डेट अभी श्योर नहीं है, डेट आप लोग के कन्वीनियंस के हिसाब से रखा जाएगा। तो फिर इतना तैयारी करने के बाद आप लोग कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाओगे, आप लोग को बहुत ही अच्छे से एग्जाम देना है, और मतलब इतना तैयारी करने के बाद ना, और इतना जितना मैं आपको बताऊँगा आप फॉलो कर लोगे, आपके अंदर से आएगा कि अब तो एग्ज़ाम निकाल के छोड़ना है, जो भी क्वेश्चन था मैं बना लूँगा। और फिर भी एग्ज़ाम निकले नहीं निकले, आपको मैथ्स को इन्जॉय करते रहना है, क्योंकि IITs हो चाहे जितने भी बड़े, इससे भी बड़ी बड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप वर्ल्ड वाइड देख लो, MITs देख लो, चाहे जो भी, आप हर जगह पहुँच जाओगे, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। पर आप मैथ से प्यार करो तभी मज़ा आएगा, नहीं तो कहीं भी पहुँच जाओ कुछ दिन के लिए मज़ा आएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप आज से ही मैथ से प्यार करना स्टार्ट कर दो। पहले मैंने आपको बताया कि पहले आप ODI हम स्टार्ट करेंगे, तो ODI आप निकाल लो अपना, लालजी प्रसाद जो भी आपका बुक है, और जो मैंने आपको बताया कि ODI के 10 टॉपिक्स हैं, उस 10 टॉपिक को आप प्रॉपरली कलरफुल पेन से लिख करके, मैं आपको ये भी फोटो भी भेज दूंगा, या हम आपको एक फोटो भेज दूंगा जैसे कि वो आप सैंपल उससे आप समझ सको कैसे बनाना है। तो मैंने बहुत कलरफुली इसको बनाया था और अपने एक वॉल पे पेस्ट कर दिया, ताकि जब भी मैं वॉल को देखता था, मतलब कि उस पेपर को देखता था, तो मुझे याद आ जाता था कि ये टॉपिक्स हैं, और ये टॉपिक्स मुझे पता है बहुत ही अच्छे से, मैं बार बार खुद को बूस्टअप करता था कि मुझे याद है सारे टॉपिक्स। तो ये आप भी करो, बहुत ही बेनिफिट होगा। इसके बाद देखो अब यहाँ पे हमारा क्या बनता है, क्योंकि हमारे टोटल 80 डेज ही हमें कंप्लीट करना है, 80 डेज में 9 पेपर्स, यानी कि हमारा टोटल 9 से 12 दिन में हम पेपर कंप्लीट करेंगे। जो छोटा पेपर है वो थोड़ा जल्दी होगा, बड़ा पेपर थोड़ा 12 या 15 दिन लगेगा, तो ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 9 to 12 डेज लगेंगे एक पेपर में। तो अब ये 9 to 12 डेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रूफ्स वगैरह नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा 9 पेपर्स हो नहीं पाएगा। और ये भी बहुत बड़ा रीज़न एग्जाम लोगों का नहीं क्लियर होने का, क्योंकि वो पूरा पढ़ के ही नहीं जाते, उनको लगता है सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, सिलेबस बहुत ही छोटा है, पर लोग क्या होता है बहुत ही एडवांस और एक्स्ट्रा चीज़ फालतू चीज़ पढ़ने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी प्रूफ्स का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो आप बैठ करके एक थ्योरम का प्रूफ अगर याद कर रहे हो या कर रहे हो, तो अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ही नहीं है। ये सब हम सीखेंगे आगे, एक वे सीख सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा करके सीखने का काम है आफ्टर जैन एग्ज़ाम, उसके बाद ये काम करना है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करना है, टॉपिक पे फोकस करना है, चीज़ों को लर्न करना है, कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। अब देखो मैं क्या कराऊंगा, ये आपको 90 टॉपिक्स और प्लस जितने भी आपके 6 ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो रिसेंटली 2015 से लेकर 2020 तक 6 पेपर्स, यानी 6 साल के जो एग्जाम्स में आया, 360 क्वेश्चन, 360 क्वेश्चन, उसके आपको मैं वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज। वो भी ये आपको ऐसा नहीं कि सारा चीज़ एक साथ मिल जाएगा, टॉपिक वाइज जो कि आपके फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आए, मान लो 6-7 क्वेश्चन जो आए हैं पास्ट 6-7 ईयर 6 ईयर्स में, वो मैं आपको एक जगह कवर करके बताऊंगा, ताकि आपको उसको बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी वो टॉपिक को अपने वॉल पे पेस्ट किया वो उसको देखो उस टॉपिक को, तो आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये सब क्वेश्चन कवर करना है, मतलब ये सब क्वेश्चन में आपका कमांड है अच्छे से। तो ये हम देखेंगे, तो ये होगा आपका टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग हर एक टॉपिक के लिए, आपको हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो आपको बनाना है डेली बेसिस पे, आपके लिए एक डिस्कशन फॉरम बनाया जाएगा जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा थ्रू आउट द डे। अगर फिर भी आपसे वो नहीं होता है, तो आप लोग से जो फाइनली जो आप लोग से नहीं बनेगा क्वेश्चन, वो आप मुझे उसमें बताओगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन बना करके दूंगा। तो ये है ओवरऑल सिनेरियो। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे।
आई होप गाइस कि मैं आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दे पाया हूँ एग्ज़ाम को लेकर के। अब आपके पास एग्जैक्ट माइंड मैप है कि आपको कैसे एग्ज़ाम निकालना है। अब फुल कॉन्फिडेंस के साथ अब तैयारी में लग जाओ। कल आपको मैं सेंड करूँगा आपका डे का प्लान, मतलब कि इस वीक का प्लान, यानी कि मंडे से संडे तक का प्लान। और उसके लिए मुझे आपका हेल्प चाहिए, क्योंकि आपकी कंडीशन कुछ अलग है। मैं उसके बेसिस पे, अपने बेसिस पे अगर एग्ज़ाम का प्लान बनाता हूँ, मतलब कि आपका वीक का प्लान करता हूँ, और आप उसको फॉलो नहीं कर पाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट भी करूँगा और हम लाइव टू लाइव कॉन्टैक्ट भी करते रहेंगे। और बहुत सारे अभी आपको मतलब कि ट्रिक्स और टेक्निक्स दूंगा जो मैंने फॉलो किया था, तो आप उसको फॉलो करना। मैं आपके साथ हूँ आपके IIT पहुँचने तक, और ऑब्वियसली IIT के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि अब आप रिशा एजुकेशन फैमिली का एक पार्ट हो। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच इसलिए भी क्योंकि इतने बड़े वीडियो को आपने बहुत ही ध्यान से शांति से सुना देखा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी ऑफ लाइफ।